आपसी समझौते के आधार पर पक्षकारों को त्वरित और सरल न्याय दिलाने में लोक अदालत कारगर साबित हो रही है। शनिवार को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में प्रदेश स्तर पर 5,02,789 मामले निराकरण के लिए रखे गए थे, जिसमें से 53,857 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 1,61,61,62,159 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीनों पीठों समेत प्रदेश की समस्त जिला एवं तहसील अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें प्री लिटिगेशन, दांडिक, वैवाहिक, क्रिमिनल, विद्युत समेत अन्य लगभग 5,02,789 मामले निराकरण के लिए रखे गए थे और इन मामलों के निपटारे के लिए 1,313 खंडपीठों का गठन किया गया था, जिनमें 53,857 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 1,61,61,62,159 रुपए के अवार्ड पारित हुए। सालसा के सदस्य सचिव राजीव करमही ने बताया कि त्वरित न्याय पाकर पक्षकार भी खुश नजर आए। इसमें ऐसे सभी मामले जो कानूनन राजीनामा हो सकते हैं, सिविल के मामले, मैट्रिमोनियल मामले, संपत्ति के विवाद और दांडिक मामले भी ऐसे जो कानूनन समझौता योग्य है, उन सभी मामलों को लिया गया था। 25,000 प्रकरण ऐसे जो न्यायालयों में लंबित थे उनका निराकरण हो चुका है। इसी प्रकार 52,000 प्रकरण जो न्यायालय में फाइल होने के पहले की स्टेज यानी प्री लिटिगेशन की स्टेज, उनका निराकरण हुआ है। और उल्लेखनीय बात यह है कि अवार्ड की राशि यदि उन्हें जोड़ी जाए तो लगभग 1,61,00,00,000 रुपये के लगभग है।